एपिसोड 20 पार्ट 2 लेट्स गो। खाना है काबा, मरा हो रहा क्या स्टैंप है? वाह बात है। ये शख्स नौ मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। ओ कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिन मुती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए, अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो। खुदा करे कि देर ना हुई हो। हाँ अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए? कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए। कूफे में सियासत और तलवार बयक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब आली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासत बाज था वो। ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादमा करता है। खत लिखा है उसने, अल्लाह अकबर, हुक्म दे रहा है। और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है। उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तुफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। कान में फुसफुसा आएगा ये पक्का। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शमर और उमर एहसास से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। क्या है हुक्मनामे में, वो क्या लिखा है मुझे बताना, वो समझा नहीं मुझे। ये म्यूजिक बहुत प्यारा है। जिसने भी इसे प्रोड्यूस किया है बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल इंस्ट्रूमेंटल वर्क है। ओहो दरबाब, लाइक इंस्ट्रूमेंटल फील देता है ना, उस दौर में पहुंच जाते हैं, उस तरह का कनेक्ट करवाता है बहुत अच्छी तरह से। ये कौन सा ओ बिन मोती,
देखने का अरमान था बिंचुरे, क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआएं हैं, आप कैसे हैं? ये कौन है भाई? हम दुआ गो और शुक्र गुजार हैं, इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। नाम? वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो? कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं, हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार जरात से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोजे रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए, इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब, उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उमरा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा। सुना है कि ज़ैनुल आबदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है। हजरत हनफिया, तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो? कूफा। कूफे का आज़म रखता हूँ बिन शुरे, हुक्म इमारत कूफा के साथ, और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कंधों पर डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ, यकीनन उसकी तवाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है। नहीं अब्दुल रहमान, वो रिहाई इसलिए है ना, रिहाई दिया इसलिए। तवाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है। ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर के कोड़ी लाए। जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन शुरे, जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है? कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है? अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और हाँ, अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे। अपने आप को धोखा मत दो, हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है, उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है। मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में, बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है। मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना दिया, इसीलिए हटा रहे हैं उसको। अभी बीच में मैं फंस गया हूँ। हाँ, इसीलिए यही मैं समझ गया, इसीलिए अली ज़ुबैर ने उसको भेजा है, बिन मुती को भेजा है ताकि वो यजीद को हटाए, बिन यजीद को हटाए वहाँ से। अंदाजन हम कहाँ हैं अबू साहब? ज़िफ़ार के करीब। बड़ा हैबतनाक सहरा है, मुझे हैरत है कि मुख्तार इस सहरा से आखिर कैसे जान बचाकर निकल गया। माजरा चाहता हूँ अमीर, मुख्तार इंसानों से ज्यादा जिन्नात से शबात रखता है। Thank you.
और फिल सो गुड यार, बहुत अच्छा लगता है ये इंस्ट्रूमेंट। रुक जाइए, हम बसरा और कुफा के दोराहे पर पहुंच गए हैं। ओह आ भी गए। बहुत खूब उम्मे सलीम। जुदाई सलीम की मम्मी उम्मे सलीम। हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैंने जनाबे मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास ना हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बासर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं, आप उनकी जान महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफे में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे। तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है, और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह। ये भी बंदर है आज से। दो बंदर, दो कुत्ते, दो बंदर। इतने बेचैन क्यों हो बिन मोती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी, इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहरो जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही, अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट भी उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज़ औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। आसाए मूसा। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह? कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा ना खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। क्यों छोड़ रहा है? हुकूमत की शर्त आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और
कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इतना इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मजारे रसूल पर जाकर मुजावरे कबरे नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ कभी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजारिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरण और उर्फन, हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। हे मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तेहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं, हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है, और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है, और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया, तो 3 दिन और 3 रात तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्ला हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और बरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयसर नहीं होगी। जैसे कि तवाबीन मगलूब हो गए और आयनुल वर्दा में उनका खून बहा, और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं। अमीरुल मोमिनीन, और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं, और आप लोगों के खराज का बाकी मानदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा। ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है अमीर। अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब। बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ो नसीहत बहुत सुने हैं, इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे। शैतान की बातें, वो भी एक फाजिल और अकलमंद इंसान से, साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती है जब वक्त जाया करना हो। मैं ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से आ रहा हूँ शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूँ, बईद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में हैं। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाब साथियों के काफिले से पीछे ना रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब, ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे। शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हकीकत के तलबगार हो तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मक्तल होता, ना के तवाबीन का।
अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ न करे कि उसने गुनाह किया है। बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अक़लियत में रह जाएं। ये लोग शियों को ग्रो ग्रो की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत पामाल हो जाए। ये गलत बात है, मुआफिक नहीं हूँ मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, ग्रोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तवाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? यह कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है? खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरका बाजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो अज़्म कीजिए, लश्कर भेजिए, शिया भी आपके साथ होंगे। जी नहीं, हरगिज़ नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जहाद करें। हालात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में ज़िबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की, खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, इनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज़ औक़ात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहत हासिल की जा सकती है, मैं हंसने पर मजबूर था। अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। शायद तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखियों की असल वजह मुख्तार है। मुख्तार को आज़ाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आज़ादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें कैद के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आज़ाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया। अब तो तुम गए बेटा। अरे दैट्स इट। चलो इन लोगों में भी खौफ है कि भैया हजरत मुख्तार को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी, पहले भी गलती थी, दोबारा से एक और बार गलती है। हजरत मुख्तार को सोच के सब की फटने लग जाती है ना, इस तरह का सीन है, सब फट्टू बन जाते एक तरह से। तो कूफे का नया अमीर आ गया है जिसका नाम बिन मुती का बेटा अब्दुल्ला होगा, अब्दुल्ला बिन मुती, सारे अब्दुल्ला ही वहाँ पे मक्के में। तो या बन गया है ये अमीर, क्योंकि जो पुराना अमीर था बिन यजीद, उसने गलती करी। उसने गलती क्या करी? लाइक अकॉर्डिंग टू अली ज़ुबैर भैया, हज़रत मुख्तार को रिहा कराया बेसिकली, किसके कहने पर? अब्दुल्ला इब्ने उमर के कहने पर, है ना। दोबारा से एक बार ख़त लिखा गया, इसके पहले इब्ने ज़ियाद को लिखा, यजीद को लिखा गया था, उसके बाद दोबारा से ये बिन यजीद को लिखा गया। एंड लाइक सोचो, वो जो अब्दुल्ला इब्ने उमर था उसने बिन यजीद को लिखा एक ख़त, अली ज़ुबैर को मेरे ख्याल से नहीं लिखा। उसे भी पता था इस चीज़ के बारे में कि अली ज़ुबैर को लिखूँगा तो वो तो रिहा ही नहीं देगा। बिन यजीद को लिखा एंड बिन यजीद ने लाइक तुरंत ही बात मान ली उसकी, लेकिन ये खबर आली ज़ुबैर तक पहुंच गई, बिन लाइक इब्ने ज़ुबैर तक पहुंच गई ये खबर। एंड तुरंत ही कूफे के गद्दी पे से, कूफे के सीट पर से बिन यजीद को हटा लिया, कंट्रोल छीन ली गई उससे। एंड अभी नए खलीफा को लाइक नए अमीर को भेजा है जिसका नाम बिन मुती है, जो मैं बता रहा हूँ, जो हजरत मुख्तार के बचपन के दोस्त थे। बड़ा एक्चुअली जितना इस एपिसोड में देखा है लाइक वो भी नहीं छोड़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। हजरत मुख्तार को इस तरह की बातें कर रहे हैं, लाइक इस तरह की बातों से लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अभी दुश्मन समझ रहे हैं हजरत मुख्तार को। अब देखने के बाद चलेगा पता आगे क्या होता है ना। एक चीज़ मुझे बता देना, इस सीरीज़ के अंदर में रकीब रकीब बहुत यूज़र है। रकीब का मतलब मैंने जहाँ तक सुना है लाइक जिसको तुम चाहते हो वो किसी और को चाहती है, तो जिसको वो चाहती है वो तुम्हारा रकीब है मेरे ख्याल से। बट रकीब बहुत यूज़ करा है, तो रकीब का लाइक कॉमन मीनिंग क्या? दुश्मन होता है क्या? सामने वाला तुम्हारा रकीब, मतलब तुम किसको भी रकीब कह दोगे क्या? हरीफ मतलब एनिमी, दुश्मन। तो रकीब मतलब जिसको तुम चाहती हो वो उसको किसी और को चाहती है, तो वो तुम्हारा रकीब हुआ ना। लाइक वो उस पर हक जताना चाहता है जिस पर तुम जताना चाहते हो,
तो जो जताना चाहता है वो तुम्हारा रकीब हुआ एक्चुअली, लाइक लव के हिसाब से तुम किसी से प्यार करते हो बट वो किसी और से प्यार करती है, लव ट्राइंगल वाला सीन है, बट एक्चुअली वो तो करती है, जिससे करती वो तुम्हारा रकीब मेरे ख्याल से, ये मीनिंग है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है रकीब का। बट इसमें जिस हिसाब से बताया गया मैं थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़ होता कोई कभी कि किसको भी रकीब बोल दिया जाता है इसके अंदर में, कि ये तुम्हारा रकीब है, ये इसका रकीब है, है ना। तो या दैट्स इट, यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में कि भैया न्यू कंट्रोलर आ गया है। एंड ये थोड़ा सा मतलब जितने जो पिछले दो अमीर आए इब्न ज़ियाद को छोड़ के, इब्न ज़ियाद थोड़ा सा चालाक था, उसके बाद जो बिन यजीद आया वो थोड़ा जल्दबाजी से कर रहा था, लेकिन ये जो अभी आया थोड़ा बहुत समझदार एंड बहुत बैलेंस लग रहा है, प्रॉपर जो बहुत स्टडी है, अच्छे से काम लेगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट अच्छा हो बुरा ना हो, बुरा काम बुरे काम ना करे, जो आले ज़ुबैर चाहता है वो ना करे, देखो क्या होता है यार अगले एपिसोड में, एपिसोड 21 में। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में।